हाय एवरीवन, आप सभी का फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोया M1 का माइक, जिसे बहुत सारे यूट्यूबर यूज करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों जब नए यूट्यूबर जब इसे खरीदते हैं और इसे जब ओपन कैमरा में यूज करते हैं तो उसमें सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, उसे किस तरह से सपोर्ट कराना है जिसे आपका माइक का आवाज, एक्सटर्नल माइक का आवाज आए दोस्तों आपके वॉइस से। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर जब इसे कनेक्ट करते हैं तो उसे लगता है कि इससे यूज हो रहा है, लेकिन असल में क्या होता है कि वो आपके फोन का माइक से ही आपका ऑडियो रिकॉर्ड होता है। दोस्तों इसमें कैसे कनेक्ट करना है दोस्तों, आज इससे ये रिलेटेड वीडियो है। तो वीडियो चैनल पे अगर नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे लेकर आता ही रहता हूं। दोस्तों तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और इसे कनेक्ट करके देखते हैं किस तरीके से इसका वॉइस आता है और इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों तो चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पे। दोस्तों बोया का माइक ओपन कैमरा में कैसे सपोर्ट कराएं। दोस्तों बहुत कोई लगा लेते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करता। ये बोया का माइक देख सकते हैं, यहाँ पे बोया का माइक है, यहाँ पे बोया M1 का माइक है दोस्तों। इसमें ऐसे ये सपोर्ट कराना है ओपन कैमरा में तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन कैमरा के सेटिंग में आ जाना है। ओपन कैमरा के सेटिंग में आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे फेस डिटेक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, इसे आपको ऑफ ही रखना है क्योंकि आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपके फेस ही डिटेक्ट करते रहेगा। दोस्तों टाइम लेंस में अभी आप इसे ऑन कर सकते हैं कि इतना सेकंड तक आपका वीडियो रहेगा, एक मिनट तक का, पाँच मिनट का, इतना सेकंड तक का रिकॉर्ड होगा उस टाइम। दोस्तों सबसे मेन टॉपिक है दोस्तों उस पर आते हैं, सबसे मेन टॉपिक है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट को आपको डिफ़ॉल्ट रहता है दोस्तों आपको सेकेंड वाला में करके रखना, क्योंकि मैं इसमें करके रखा हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों ये कितना टाइम तक का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, पाँच मिनट बाद ऑफ हो जाएगा, पंद्रह मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उसके भी नीचे जाइएगा तो आपको वीडियो का साइज़ मिलेगा, आप इतना सेकंड में 500 MB के अंदर बनाना चाहते हैं, 1 GB बनाना चाहते हैं, 2 GB बनाना चाहते हैं या 9 GB बना सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा सेलेक्ट करना है दोस्तों, या डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए वही अच्छा रहेगा। सबसे मेन है दोस्तों फिर यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही रखना है। उसके बाद है यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक जो आप जानना चाहते हैं, इसमें ऑडियो माइक कैसे सपोर्ट कराएँ एक्सटर्निंग वाला बोया माइक। तो सबसे पहले इसको ऑन करना और यहाँ देख सकते हैं 4-5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सेकंड वाला माइक देख ऑप्शन में आप देख सकते हैं एक्सटर्नल माइक। दोस्तों ये वाला जो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी बोया का माइक से ही हो रहा है। एक्सटर्नल माइक में आपको क्लिक करना है, उसके बाद जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तब आपका जो बोया का माइक कनेक्ट करेंगे उससे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है डिफ़ॉल्ट ऑडियो सोर्स है दोस्तों, ऑप्टिमाइज टू वॉइस कॉल्स है, ऑप्टिमाइज टू वॉइस रिकॉर्ड जेंस है, फिर अनप्रोसेस्ड है दोस्तों। तो सब सो आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है एक्सटर्नल माइक पे, उसके बाद आपको बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे देखोगे, जब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दोगे तब आप देखोगे इसमें आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल वाला माइक वाला लेने लगेगा बोया का माइक। सिंपली आप ट्राई कर सकते हो कि पहले आप बोया का माइक का कनेक्शन हटा के आप पहले रिकॉर्ड कर लो, फिर बोया का माइक कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर लो, दोनों को ऑडियो सुन लो दोस्तों। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा माइक सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, ये बोया का माइक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बोया का माइक कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सिंपली आप अपना वॉइस ऑडियो को क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।